स्वच्छ भारत अभियान के तहत पीएम मोदी ने अब लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से दूरी बनाने की अपील की है। गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर से इस अभियान की शुरुआत होगी। वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर अब झारखंड सरकार ने भी निर्देश जारी किए हैं। सरकारी दफ्तरों में अब प्लास्टिक नहीं दिखेगा, वहीं निजी कार्यालयों को भी इसका पालन करने को कहा गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री का बिल अब पास नहीं होगा। मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को निर्देश दिया है कि वो अपने निकासी एवं व्यय प्राधिकारियों को अलग से निर्देश दे कि सिंगल यूज प्लास्टिक सामानों की खरीदारी ना करें। सभी सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक, थर्मोकोल, डिस्पोजेबल कटलेरी, खाद्य सामग्री के पैकेट समेत कप, ग्लास, बाउल, चम्मच, कंटेनर, स्ट्रॉ पर पूरी तरह से बैन रहेगा। तो एक बड़ा फैसला, प्लास्टिक मुक्त झारखंड बनाने की मुहिम शुरू की गई है। सरकारी दफ्तरों में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर अब बैन लगाने की तैयारी की जा रही है। ना तो सरकारी कार्यालय और ना ही निजी कार्यालयों में अब इसका इस्तेमाल किए जाने की छूट मिलेगी, क्योंकि अब पूरी तरह से इस पर बैन लगाने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। और इससे सिर्फ इसका एक मकसद है ताकि झारखंड को प्लास्टिक मुक्त किया जा सके। से होने वाले प्रदूषण के कारण जिस तरह से हमारे वसुंधरा या हमारी धरती प्रदूषित हो रही है, और यह एक ऐसा पॉलीथीन है जो एब्जॉर्ब नहीं होता है नॉर्मली इस पर्यावरण के साथ, उसका जो स्वरूप है वो जैसे बाकी चीज़ें इस पृथ्वी में एब्जॉर्ब हो जाती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, और इसे अनेक तरह के बीमारियों के साथ साथ प्रदूषण में भी यह बहुत बड़ी भूमिका के साथ हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारे जीवन को, हमारे अस्तित्व को चुनौती देता रहता है। हमारे मोदी जी का जो सपना है कि इसको प्लास्टिक की कमी करेंगे और प्लास्टिक को जो है दूर भगाएंगे हमारे पूरे भारत से, तो हम लोग उसका जो है सरकारी कार्य में बहुत कम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको हम लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे। उनके सपना और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने सहयोगी शाहनवाज से, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ा फैसला और एक बड़ी अच्छी पहल ताकि झारखंड को प्लास्टिक मुक्त किया जा सके। जरूरत होगी कि समाज भी इसमें अपनी भूमिका, अहम भूमिका अदा करे, क्योंकि प्रशासन तो अपनी तौर से इस मुहिम को शुरू करने की इस कवायद में लगा है कि प्लास्टिक मुक्त झारखंड बनाया जा सके। शाहनवाज यहाँ प्लास्टिक मुक्त भारत का अभियान प्रधानमंत्री का अभियान है और जिला राज्य प्रशासन ने इसकी पहल शुरू कर दी है। मुख्य सचिव आज से एक हफ्ते पहले गृह सचिव ने मुख्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसमें राज्य के तमाम बड़े जो विभाग हैं उनके सचिव भी मौजूद थे। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को सरकारी क्षेत्र में इस्तेमाल से कैसे रोका जाए, इसको लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विचार विमर्श किया था। उसके बाद कल शाम में ही मुख्य सचिव ने एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में ये कहा गया है कि सरकारी विभाग बिल ही पास न करें, प्लास्टिक से संबंधित किसी भी चीज का बिल ही पास न करें, मतलब ये खरीद बिक्री ही ना होगी तो इस्तेमाल भी नहीं होगा। अब रहा सवाल कि उसमें डिस्करेज करने की बात है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसको मजबूरी में इस्तेमाल करना पड़ता है। उसकी जो सूची दी गई है उसमें, उस सूची में पानी की बोतलें भी शामिल हैं, प्लास्टिक के फूल भी शामिल हैं, फोल्डर भी शामिल हैं जिनमें फाइल रखी जाती है। इसके अलावा कांटा, छुरी, चम्मच, थर्मोकोल की प्लेट, क्वार्टर प्लेट, ग्लास ये आदि शामिल हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रयोग में लाई जाती हैं, कैटर इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीजें कैसे अपरिहार्य कारणों में ही कभी अपरिहार्य सिचुएशन में ही इसका इस्तेमाल करें, ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है लेटर में। और ये लेटर तमाम सरकारी के अलावा गैर सरकारी जो कार्यालय होते हैं उनको भी भेजा गया है, उनको भी ये आग्रह किया गया है कि वो भी इस अभियान में। शाहनवाज यहाँ एक सवाल बहुत वाजिब बनता है कि जिन चीजों पर अब बैन लगाने की तैयारी की गई है, बहुत सारे जो एडवाइजरी में जिनको लिस्टेड किया गया है, जिन सामानों को, वो अब डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, तो जब तक उनका कोई विकल्प नहीं लाया जाएगा तब तक क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि इस तरह के बैन लगाने से इन चीजों पर बैन लग पाएगा आसानी से?
साफ जाहिर है। देखिए, हालांकि पानी की बोतलें सिंगल यूज में नहीं आती, सिंगल यूज कैटेगरी से बाहर है। अब पानी की बोतलें ही अगर मिसाल के तौर पर ली जाए तो कौन सा ऐसा सरकारी कार्यालय होगा, कौन सा ऐसा पार्टी फंक्शन होगा, कौन सी ऐसी कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसका विकल्प ढूंढना इतना आसान नहीं है। पानी को कैरी ही नहीं किया जा सकता है बोतल के रूप में, टेबल टू टेबल अगर सर्व करना है आपको जी, जी, जी। तो पानी की बोतलों का ही इस्तेमाल भारत में है और उसके अलावा कोई विकल्प तैयार ही नहीं हुआ, विकल्प हो भी नहीं सकता है। तो ये इतना आसान नहीं होगा जी। कि इसको आप किस तरह से प्रैक्टिकली, इसलिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है कि अपरिहार्य कारणों में ही, अपरिहार्य हालात में ही इस तरह के इस्तेमाल किया जाए। सरकार भी जानती है कि इसका धीरे धीरे ही इसको जो है प्रयोग में लाना मुनासिब होगा, इसीलिए अभी इसकी शुरुआत की जा रही है। जब बिल ही पास नहीं होगा जी। तो जाहिर है बिल पास करने में संबंधी एक एडवाइजरी जारी की है, मुख्य सचिव ने तमाम विभागीय सचिवों से कहा है कि आप बिल ही पास न करें। चलिए देखना होगा शाहनवाज की, अभी एडवाइजरी अगर जारी की गई है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पाता है आने वाले दिनों में। बहरहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत झारखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने की पहल शुरू की गई है। अब झारखंड सरकार की ओर से इसके लिए बाकायदा एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। देखना होगा कि कब तक ये अमल में लाया जा सकता है और बहुत सारी चीजें जो अब बैन होने वाली हैं उसका क्या विकल्प ढूंढा जाएगा।